हमारे स्टूडेंट्स, आई होप सब तक जो मैंने आपको पढ़ाया होगा वो आपको सारे बहुत अच्छे चीज़ों से आपने समझ में आया होगा। एंड आई होप सो आपको फर्स्ट ऑर्डर पे जितने भी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन मैंने करवाए हैं या जितने भी कॉन्सेप्ट दिए हैं मैंने, उनके स्पेशल प्रॉपर्टी सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, मैं इतना आशा करता हूँ। तो यहाँ से ये होता है कि आपकी कंसंट्रेशन रेट ऑफ द रिएक्शन पे कैसा डिपेंड करता है, वो जो सेकंड फैक्टर था वो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट फैक्टर इज थर्ड इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, थर्ड इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या होगा कि आखिर टेम्परेचर बढ़ने से ये तो 100% श्योर एंड श्योर बात है कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, बढ़ता है। रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है, आखिर क्या रीजन है? तो देखो ये तो सिंपल सी बात है कि मुझे ये पता है कि कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं। आपस में कोलाइड होता है तो इसका आपस में कोलाइड होने के बाद बॉन्ड ब्रेक होता है, और बॉन्ड ब्रेक होता है तब जाकर प्रोडक्ट में बनता है। ठीक है, ये ओवरऑल एक आइडिया, हालांकि एग्जैक्टली थ्योरी ये नहीं होती है, ये आज के थ्योरी में मैं आपको बहुत अच्छे से कवर करूंगा। होता क्या है, टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कोलिजन और क्या होंगे, ज्यादा होंगे। जितने नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगे बॉन्ड उतने ज्यादा टूटेगा, उतना ही ज्यादा क्या होता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो और ऐसा पाया गया कि रिएक्शन को अगर सिर्फ 10 डिग्री से बढ़ाया जाए, सिर्फ 10 डिग्री से बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3 गुना बढ़ता है। कितना? 2 से 3 गुना। ठीक है, तो यही मैं लिख देता हूं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर rate of reaction increases and normally it is found that on increasing temperature by 10 degree Celsius, rate of reaction increases to 2 to 3 times. Rate of reaction increases by 2 to 3 times. ठीक है, तो अब यहाँ पे second एक concept आता है temperature coefficient का। किसका? Temperature coefficient का। Temperature coefficient क्या होता है? इसको अल्फा से denote करते हैं। ठीक है, तो मैं पहले इसको लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। It is denoted by alpha. अच्छा एक बात और, ये तो मतलब आपको समझ में आया कि कभी भी आप टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ाते तो रेट ऑफ द रिएक्शन 2 से 3 टाइम्स बढ़ता है ओवरऑल। ये एक्सपेरिमेंटल फाइंड आउट होता है, ये मैं सोचिए कि मैं अपने मन से बता रहा हूँ। इट इज आप टोटली केमिकल काइनेटिक्स क्या है, टोटली एक्सपेरिमेंटल बेस्ड चैप्टर। जैसे हम गैसेस की रिएक्शन पढ़ते तो क्या था, टोटली एक्सपेरिमेंटल बेस्ड चैप्टर था, वैसे केमिकल काइनेटिक्स भी क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड चैप्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी चीजें मैं आपको स्टेटमेंट बोलता हूँ या देता हूँ या कॉन्सेप्ट होते हैं ये सारे एक्सपेरिमेंटल फाइंड आउट है। ठीक है, तो याद रखिए जब भी कोई रिएक्शन सिर्फ 10 डिग्री से बढ़ाया जाता है टेम्परेचर उसका, तो उसका रेट ऑफ द रिएक्शन 2 से 3 टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक है, और वो 2 से बढ़ता है या 3 से बढ़ता है ये भी आपको मैं अभी कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा एंड डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर, rate of reaction at two different temperature differ by 10 degree Celsius normally 25 and 35. ठीक है, बेसिकली मतलब क्या है, मान लो कोई आरटी टेम्परेचर पे और 10 टी प्लस 10 मतलब
इनिशियल टेम्परेचर मेरा रेट ऑफ रिएक्शन जो था टेम्परेचर टी पे था तो आर टी था, 10 डिग्री से बढ़ा तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब उसको उसको क्या बोलूंगा मैं आर टी प्लस 10, तो ये किसके बराबर होता है अल्फा के बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है अल्फा के बराबर। जैसे अगर मान लो 25 डिग्री पे था रेट ऑफ द रिएक्शन आर 25 बोलूंगा, 10 डिग्री से बढ़ाया तो वो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा आर 35 हो जाएगा, यही अल्फा के बराबर होता है। ये मेरा किसके बराबर होगा अल्फा के बराबर, अल्फा किसके बराबर होता है 2 से 3 टाइम्स। ठीक है, जनरली एक बात याद रखना अल्फा की वैल्यू या तो 2 रहेगी या तो 3 रहेगी। अगर मान लो क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू नहीं दी जाती है, ध्यान से समझना, अल्फा की वैल्यू अगर नहीं दी जाएगी तो आप अल्फा कितना लोगे 2 लोगे, और मोस्ट ऑफ द 99.9% क्वेश्चन में अल्फा हमेशा दिया जाता है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि अल्फा आपको क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा, यदि अल्फा नहीं दिया जाता तो आप अल्फा को 2 मान सकते हो, 3 रेयर केस में मानते, बट मोस्ट ऑफ द चीज में अल्फा की वैल्यू 2 होती है। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आई। चलो एक क्वेश्चन करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इफ रेट ऑफ रिएक्शन है 25 डिग्री सेल्सियस, इफ रेट ऑफ रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज आर एंड टीसी इज अल्फा मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा है, then calculate rate of reaction at 35 degree Celsius, 45 degree Celsius, 55 degree Celsius, 65 degree Celsius and so on। ठीक है, चलो इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि 25 डिग्री पे रेट ऑफ द रिएक्शन आर, ठीक है, और उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना दिया हुआ अल्फा दिया हुआ। ठीक है, तो मुझे पता है R35 / R25 को मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा लिख सकता हूं, इसका मतलब R35 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी रेट ऑफ द रिएक्शन आर इंटू अल्फा हो जाएगी, कितनी हो जाएगी आर इंटू अल्फा हो जाएगी। समझ में आई बात सबको, हाई है ना। ठीक है, अब 35 पे वैल्यू निकल गई, 45 पे निकालते हैं, मुझे पता है अगेन R35 डिग्री और 10 बढ़ा दो तो R45 डिग्री, ये अगेन किसके बराबर होगा अल्फा के बराबर होगा, अगेन ये किसके बराबर होगा अल्फा के बराबर होगा, और R35 की वैल्यू कितनी मैंने निकाली R अल्फा, तो R45 पे मेरा कितना हो जाएगा R45 डिग्री पे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर R हो जाएगा। ठीक है, अगेन R55 / R45 तो अगेन ये क्या होगा अल्फा के बराबर, R45 की वैल्यू कितनी है अल्फा स्क्वायर आर, मतलब R55 मेरा हो जाएगा अल्फा क्यूब आर आ जाएगा। आई बात समझ में, तो बेसिकली आप समझ रहे हो R65 में कितना होगा R^4। तो क्या इन जनरल मैं ऐसा लिख सकता हूं, अगर मैं इन जनरल की बात करूं तो देखो नीचे RT ऊपर RT, ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो T plus delta T, इसको मैं क्या लिख सकता हूं अल्फा का पावर डेल्टा टी बाय 10, ये जनरल फॉर्मूला हो जाता है इस फॉर्मेट में अगर आप देख लो। तो कैसे देखो, अगर मैं ऊपर R35 रखता था और नीचे R35 रखता था ऊपर R55 रखता था, तो R55 अगेन वैल्यू कितना आता था, देखो 35 और 55 में कितना गैप है, 35 से 45 एक बार 10 बार बढ़ा, 45 से 55 दो बार बढ़ा, ठीक है, और इसका खुद का R, तो ये कितना हो जाएगा अल्फा क्यूब R। आई बात समझ में, तो ये जनरल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मेरे लिए क्या है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां से अगर मैं जनरल फॉर्मूला निकालूं तो कितना हो जाएगा RT + delta T / RT, ठीक है, सॉरी ये टी ऐसे लिखो RT + delta T, तो अल्फा कितना हो जाएगा जितना भी डेल्टा टी से इंक्रीज हुआ होगा। ठीक है, सपोज करो आपको आरटी दिया हुआ है 25 डिग्री पे दिया हुआ, और मैंने आपसे पूछा भैया आर 105 पे कितना होगा, तो डेल्टा टी आपके लिए कितना होगा 25 और 105 का डिफरेंस कितना 80, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम बढ़ेगा 80/10, मतलब एक अल्फा का पावर 8, अल्फा का पावर 8 टाइम्स, अगर अल्फा की वैल्यू दी तो मतलब उतने के पावर क्या बढ़ जाएगा 8 टाइम्स आपका बढ़ जाएगा। आई बात समझ सबको, इज दैट क्लियर विद डाउट यहां तक, चलो ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में। अब सपोज करो मैंने R125 पे पूछा कितना होगा रेट ऑफ रिएक्शन,
तो 25 पे 25 से लेकर 125 तक कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, डेल्टा टी कितना हो जाएगा 10, मतलब अल्फा का पावर 10 आर हो जाएगा, कितना हो जाएगा अल्फा का पावर 10 आर। मैं पूछा सपोज कर R35 पे कितना, सॉरी R30 डिग्री पे कितना हो जाएगा, तो अगेन R तो मल्टीप्लाई होगा इनटू अल्फा, अल्फा कितना हो जाएगा 25, कितना का डिफरेंस आ रहा है 5 का, 25 और 30 का डिफरेंस कितना है 5। देखो फॉर्मूला बेटा क्या है, RT प्लस डेल्टा टी बाय RT, तो इनिशियल रेट मैंने कितना दिया था 25 डिग्री दिया हुआ था 25 पे, तो 25 25 का कितना होगा, अगर आप ऐसे नहीं समझ में तो ऐसे समझो R30 बाय R25। तो यहां की अगर आप बात करो तो T प्लस डेल्टा T, क्या मैं T प्लस डेल्टा T और ये मेरा T हुआ, तो T मेरे लिए कितना हुआ 25 25, और इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितना 5, तो 25 प्लस 5 मेरे लिए 30 नहीं होगा, तो वही डेल्टा टी अल्फा का पावर चला जाएगा, मतलब अल्फा का पावर कितना हो जाएगा 5 बाय 10 इनटू आर, मतलब रूट अल्फा आर। तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, तो आपको इनिशियल दिया रहेगा और जिस टेम्परेचर पे निकालना है तो उनका डिफरेंस ले लो, उस डिफरेंस को आप 10 से डिवाइड करो, उतने टाइम्स आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला था, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या होता है समझो, टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैव सेम रेट, टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैव सेम रेट, टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैव सेम रेट एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस, इफ टीसी ऑफ फर्स्ट इज टू एंड सेकेंड इज 3, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पहले रिएक्शन का अगर 2 है, दो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें पहले रिएक्शन का टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको 2 दिया हुआ है और सेकेंड रिएक्शन का टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको दिया हुआ है 3, देन कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एट 75 डिग्री सेल्सियस। कुछ नहीं, देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, फर्स्ट रिएक्शन की बात करो, ठीक है, तो R25 दिया हुआ, ठीक है, और R75 पे, ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूं अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई इसने, 2 दी हुई, कितना दी हुई 2। अब यहां से यहां, मतलब यहां से यहां कितना का टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा, सपोज करो 50 मतलब 5, तो 2 का पावर 5 हो रहा है, कितना आ रहा है 2 का पावर 5, हां बराबर 2 का पावर 5, मान लो इस पे 25 पे मैं r मानता हूं, तो r 75 डिग्री पहले के लिए कितना हो जाएगा 2 का पावर 5 टाइम्स r, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन के लिए अगेन R75 डिग्री बाय R25 डिग्री, ठीक है, मान लो ये 3 का पावर 5 टाइम आर आ रहा है, ठीक है, 3 का पावर 5 टाइम आर। तो अगर मैं इसके बात करता हूँ, लेट्स से इसको R1 मान लेता हूँ और सॉरी ये 3 का पावर, तो R75 डिग्री सेकेंड रिएक्शन के लिए कितना 3 का पावर 5 टाइम्स आर, तो ये R2 हो जाएगा, तो R1 बाय R2 आपके लिए कितना हो जाएगा 2 बाय 3 का पावर 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 बाय 3 का पावर 5। आई बात समझ में, ठीक है। अब एक ग्राफ आता है, ये जो ग्राफ है आपको हालांकि मैंने पहले भी समझाया हुआ है गैसेस रिएक्शन, गैसेस में, गैसेस स्टेटमेंट में इसको बहुत अच्छे से डील किया था, ठीक है, अभी मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। अब सारा कहानी जो होगा इसी ग्राफ पे पर डिपेंड करेगा टेम्परेचर का, ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया, आखिर आधे से ज्यादा चीजें समझ में आ जाएगी, आखिर
रेट ऑफ द रिएक्शन टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो सपोज करो ये रिएक्शन, ये ग्राफ हमने पहले भी पढ़ा था, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है ना वर्सेस एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस एनर्जी का ग्राफ पहले भी पढ़ा था। ये ग्राफ डंबल शेप का जाता है, कैसे जाता है, डंबल शेप का। ठीक है, अब होता क्या है समझो, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम एनर्जी का होगा, और ये वाला जो एनर्जी होगा ये मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के पास ये एनर्जी होगा। इस एनर्जी को हम बोलते हैं ER बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, ER बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा टर्म आता है जिसको हम ET बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ET बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ET। इसका मतलब होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। सबको मैं एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ, थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है। ठीक है, अब मैं आपको वही समझा रहा हूँ, इसी ग्राफ से मैं आपको समझाऊंगा आखिर रेट ऑफ द रिएक्शन क्यों चेंज हो जाता है, मतलब क्यों बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने के ऊपर। ठीक है, समझो, अब ER ET दोनों का मतलब समझो। सपोज करो आप ऐसा समझो कि आपके पास डेली केमिस्ट्री के लेक्चर कितने होते हैं, एक घंटे का लेक्चर होता है, कितने लेक्चर होते हैं, एक घंटा, और आपकी कैपेसिटी भी एक घंटे की है, कितनी है आपकी खुद की कैपेसिटी है एक घंटे की केमिस्ट्री के लेक्चर देखने की, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अगर मैंने किसी दिन बोले कि भैया आज तुम्हारा दो घंटे का लेक्चर होगा, ठीक है, मैंने जो एनर्जी डिसाइड की वो थ्रेशोल्ड एनर्जी, आपके पास जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट की एनर्जी है, तो क्या होगा, दो घंटे आप देख सकते हो क्या, चलो एक दिन देख भी लिया आप, कैसे से घीच खाच के दो घंटे लेक्चर देख भी लिए, लेकिन अगले दिन बोला आज चार घंटे लेक्चर होगा, कितने घंटे लेक्चर होगा, चार घंटे, आपकी हाईएस्ट एनर्जी दो घंटे तक की है, तो क्या आप चार घंटे तक सर्वाइव कर सकते हो उस केमिस्ट्री लेक्चर में, नहीं, प्रैक्टिकली तो नॉट पॉसिबल कि आप चार घंटे सर्वाइव नहीं भी कर पाओगे उस जगह पे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो एनर्जी वो एनर्जी है जो मिनिमम एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू बी प्रोसीड, मतलब किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास अगर ये एनर्जी है, मतलब ET के बराबर एनर्जी है, तो ही वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाता, अदरवाइज वो कन्वर्ट नहीं हो पाता। इसका एक रीजन बताता हूं, अगर ये आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा कि जैसे बेसिकली क्या होता है ना, अभी मैं आपको इसके बाद आपको ये पढ़ाऊंगा कोलिजन थ्योरी पढ़ाऊंगा। ठीक है, कोलिजन थ्योरी, ठीक है, तो ये बेसिकली पूरा आर्हेनियस ने डिजाइन किया था कोलिजन थ्योरी, आर्हेनियस का ये मानना था। ठीक है, आप उसने बोली थी कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट हो सकता जब वो तीन स्टेजेस को पूरा, मतलब तीन शर्त को पूरा करे। पहला शर्त, एक तो कोलाइड करना चाहिए, क्या होना चाहिए, कोलाइड करना चाहिए, मतलब हर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करना चाहिए विद प्रॉपर ऑरिएंटेशन विद प्रॉपर एनर्जी, और वो कोलाइड करने के बाद एक ट्रांजिशन स्टेट जरूर फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि ये एक मिनिमम कंडीशन होता है, जब तक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ट्रांजिशन स्टेट के पास नहीं जाएगा तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये दो तीन शर्त थी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहिए तभी, अदरवाइज। अब मैं फिर से एक और एग्जांपल, अगर ये एग्जांपल आपको नहीं समझ में आता ऐसा समझो, अगर आप बाजार में एलईडी टीवी लेना चाहते हो, कितना एलईडी, आप बोलते हो सर मुझे 55 इंच का एलईडी टीवी लेना है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ मिनिमम प्राइस जो होती है एलईडी टीवी की वो होती है सपोज करो 55,000, ऐसा मैं मान के चला हूँ कि 55,000 मिनिमम है, हर कोई भी ब्रांड कर लो भैया, इससे कम रेंज का आपको कोई एलईडी टीवी मिलेगा नहीं। ठीक है, 55 इंच का 55,000 रुपीज लगता है, तो मतलब जो मार्केट ने एनर्जी जो मार्केट ने जो प्राइस डिसाइड किया है उस टीवी का वो है 55,000, मतलब उस टीवी को खरीदने के लिए आपके पास कितनी पैसे होने चाहिए, कितने पैसे होने चाहिए, 55,000। उसी तरीके से किसी भी हर रिएक्शन का अपना एक थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है, मान लो इस रिएक्शन को होना है, इस रिएक्टेंट को इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो इस ओवरऑल अपने इस हर रिएक्शन का एक थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा। एलईडी सोनी का लोगे तो 55 का है, हो सकता है किसी अदर रिएक्शन का उसका अलग थ्रेशोल्ड एनर्जी का, मतलब दुनिया में जितने भी रिएक्शन है ना सबका अपना एक थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है। वैसे ही आप इसको इससे रिलेट कर दो कि दुनिया में जितने भी टीवी हैं, जितने भी 55 इंच का टीवी है, हर कंपनी का अपना एक रेट होता है। ठीक है, तो जो कंपनी रेट डिसाइड करता है कि भैया इसको इस टीवी खरीदना है तो आप कितने पैसे पे करने होंगे, वैसे ही हर रिएक्शन होने के लिए उसकी एक थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। अगर उस रिएक्टेंट के पास इतनी थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, अदरवाइज वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। और सपोज करो मैंने अभी आपको बोला कि भैया मार्केट में उस टीवी को बाय करने के लिए सपोज करो आपको 55,000 की चाहिए, आपके पास 60,000 है तो आप इजीली बाय कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 50,000 है
और आप सपोज करो नहीं कर पा रहे हो, तो आपके पास डिफरेंस कितना आया? मार्केट में आपको टीवी खरीदने के लिए 55,000 चाहिए, लेकिन आपके पास जेब में 50,000 है, तो आपके पास जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना होगा? 5,000 का कितना होगा? 5,000। अगर वो 5,000 आपको कहीं से मिल गए, सपोज करो कहीं से बाय लक लॉटरी लग गया, कहीं गिरे हुए मिल गए, तो आप टीवी तुरंत खरीद लोगे। उसी तरीके से ये जो होता है, देखो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब इतनी एनर्जी मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के पास है। अब सपोज करो यहां से यहां का जो डिफरेंस होता है वो होता है एक्टिवेशन एनर्जी का। इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब इतना एनर्जी मैंने इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को दे दिया, मतलब ये जो डिफरेंस का एनर्जी है, अगर मैं इतने मॉलिक्यूल को दे दिया तो सारा का सारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से आप वैसे समझो कि जब आप शोरूम में जा रहे थे वो 55,000 था, आपके पास 50,000 है, अगर 5,000 मैंने आपको दे दिए तो आप इजीली टीवी खरीद सकते हो। उसी तरीके से जो इतने जब आप सपोज करो ये जो वाई एक्सिस है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब सपोज करो 200,000 फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जिनकी एनर्जी 10 जूल है और रिएक्शन प्रोसीड होने के लिए एनर्जी चाहिए 20 जूल, तो अगर ये 10 जूल मैंने और 10 जूल इनको प्रोवाइड कर दूं, क्या 200,000 के 200,000 मॉलिक्यूल कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे प्रोडक्ट में? बिल्कुल हो जाएंगे। अब ये कैसे कन्वर्ट होता है, ये एक अपने आप में एक स्टोरी है, ठीक है? तो फिलहाल ये समझ में आया, इसका मतलब जो भी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इस लाइन को क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है, जो भी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इस लाइन को क्रॉस करते हैं यही एक्चुअल में रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है? तो मैं लिख देता हूं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच आर पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्शन, ठीक है? अब सपोज करो, ठीक है, participating in reaction, मतलब इतना ही part का fraction होता है, कितना part? छोटा सा अगर part है, देखो fraction of molecule, देखो इतना सारा का for fraction of molecule, but उसमें से सिर्फ ये वाला part क्या होता है? actual reaction, actual यही मतलब part जो होते हैं fraction of molecule, यही reactant molecule किसमें convert होते हैं बेटा? यही reactant molecule किसमें convert होते हैं? मेरे product में convert होते हैं, बाकी ये सारे molecule ऐसे के ऐसे ही धरे के धरे रह जाते हैं। अब उसका एक reason भी है, देखो जनरली कोई भी रिएक्शन इंस्टेंटेनियस रिएक्शन नहीं होता है, जनरली मोस्ट ऑफ द रिएक्शन क्या होते हैं? स्लो एंड स्टडी प्रोसेस से जाते हैं। किससे जाते हैं? स्लो एंड स्टडी। बट ऐसा नहीं कि आपने रिएक्टेंट दो रिएक्टेंट मिला आपको तुरंत प्रोडक्ट मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। क्यों? अगर ऐसा हो जाए इसके दो रीजन है, मतलब हर कोलिजन हर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इस एनर्जी को क्रॉस कर चुका है, इसका मतलब ये एनर्जी कुछ यहाँ आ जाएगी, इसका मतलब ये जो ईटी यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब इतना सारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो चुका है? इतना सारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि पॉसिबल नहीं है। 100% एफिशिएंसी इंसान की नहीं होती, तो ये तो रिएक्शन इनकी कहां से होगी? तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इसलिए बहुत छोटा सा है, इसलिए बहुत कम मॉलिक्यूल क्या होता है, बहुत कम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाते हैं। कहने का मतलब ओवरऑल ऐसा समझो कि A टेंड्स टू B दे रहा हूं मैं, मतलब ये है कि 1 मोल ऑफ A किसमें कन्वर्ट हो गया? 1 मोल ऑफ B में। किसमें कन्वर्ट हो गया? 1 मोल ऑफ B। अगर ये मोल से चल रहा हूं तो ऐसे है, लेकिन ये भी हो सकता है 6 × 10⁻²³ एटम ऑफ A कन्वर्ट हो गया किसमें? 6 × 10⁻²³ एटम ऑफ B में। ये बेटा आइडियल सिचुएशन में होता है, ये जनरली क्या होता है आइडियल सिचुएशन में। इसका मतलब ये होगा कि जो भी A कोलाइड करेंगे आपस में सारे के सारे B बना लेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। इसका मतलब इसका जो ET होगा वो कुछ यहाँ पे होगा, इसका मतलब सारा का सारा A कन्वर्ट हो चुका किस में? B में। इसका मतलब ये है ना कि A सारा A किस में कन्वर्ट हो रहा है? B में। बट 6 × 10⁻²³ एटम में से कुछ ही एटम, मतलब फ्रैक्शन ही इसका कुछ क्या होता है कन्वर्ट हो पाता है। मतलब ये तो हम आइडियल सिचुएशन मानते हैं, बट एक्चुअल आइडियल सिचुएशन ऐसा होता कभी भी नहीं है कि सारा का सारा A कन्वर्ट हो जाए सारे के सारे B में। इसलिए इसको हम और डिटेल में पढ़ते हैं कोलिजन थ्योरी में, जो आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए समझ में, तो किसी भी रिएक्शन अगर मान लो यहाँ पे जो मेरे एनर्जी है, मान लो जितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के पास ये एनर्जी है उनको मैंने इस डिफरेंस की एनर्जी दे दी, इसका मतलब वो भी सारे के सारे किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल में। अब आपको याद होगा कि अगर मैं सपोज करो कि
इसका मतलब समझ में आया कि 100% एफिशिएंसी ना मशीन की होती है ना रिएक्शन की होती है, मतलब 1 मोल ऑफ बी 1 मोल ऑफ ए 1 मोल ऑफ बी कभी कन्वर्ट नहीं होता। वो अलग बात है कि हम थर्मोडायनेमिक्स में जो हमने किया था या केमिकल इक्विलिब्रियम मोल कांसेप्ट में हम क्या कहते हैं भैया ए रिएक्ट ए और बी रिएक्ट कर रहा तो सी दे रहा है, ठीक है, वो हमेशा हम आइडियल की सिचुएशन मानते थे। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है कि 1 मोल ऑफ ए पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाए 1 मोल ऑफ बी में। आप देखो कुछ ही पार्ट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, आई बात समझ में। तो मतलब ये जब तक इतना मॉलिक्यूल ये एनर्जी क्रॉस नहीं करेगा तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो आप देख लो इतने बड़े पार्ट में से सिर्फ इतना ही पार्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, बाकी सारा का सारा ऐसे कैसा बचा रहता है। समझ में आया यहाँ तक? चलो ठीक, यहाँ अगर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया तो ऐसे में समझाता हूँ। अभी मैंने आपको समझाया था कि आखिर रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ने से मतलब सॉरी टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ द रिएक्शन क्यों बढ़ता है। तो आपको याद है इसी कर्व में मैंने ऐसा बताया कि टेम्परेचर बढ़ने से ये फ्लैट हो जाता है, ठीक है। तो ईटी तो अभी भी कांस्टेंट रहेगा, ईटी में कोई चेंज नहीं आएगा। टेम्परेचर बढ़ने से ईटी में कोई चेंज नहीं आता है, चेंज किसमें आता है? अब ये एक्स्ट्रा पार्ट जो है ये जुड़ गया इसमें, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा पार्ट क्या हो गया? जुड़ गया, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पार्ट क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, ईआर अभी भी यही रहेगा, अभी भी नया ईआर जो है ये यही रहेगा, ईआर यहीं पे, बस ईटी क्या हो जाता है, ईटी ये वाला पार्ट थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब देखो क्या इतना एक्स्ट्रा पार्ट, इतना एक्स्ट्रा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जुड़ चुके हैं, इतना एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो जुड़ चुका है, इसका मतलब और मतलब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल क्या हो चुके हैं, इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर चुके हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो चुके होंगे प्रोडक्ट में। लेकिन उसके लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा, इसलिए ये वाला पार्ट और बड़ा बड़ा हो चुका है। देखो अब इतना वाला पार्ट क्या जा रहा है, मेरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बढ़ चुका है। आप उसे समझो ना कि देखो ना ये शेडेड रीजन बढ़ चुका है, ये क्योंकि ईटी चेंज नहीं होगा, ईआर चेंज होगा, ये एनर्जी कभी चेंज नहीं होता टेम्परेचर के साथ। तो चेंज क्या होगा कि जो मेरा पहले इतना पार्ट था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, अब इतना पार्ट मेरा चेंज होगा, इसलिए दैट इज व्हाई टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, बढ़ता है। आई बात समझ में? तो दिस वाज द ओवरऑल ऑफ स्टोरी कि आखिर कैसे चेंज होता है टेम्परेचर, आखिर कैसे रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ने से, ठीक है। चलो अब हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी के बारे में। कोलिजन थ्योरी, ठीक है, कोलिजन थ्योरी क्या कहता है समझो बात को, ठीक है। ये आरएनएस का दिया हुआ था, इसका ये मानना था कि कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, प्रोडक्ट में तभी चेंज हो सकता है तो दो अगर वो तीन चार कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो वो तीन चार कंडीशन क्या होती है वो भी आपको मैं समझा देता हूं, ठीक है। तीन चार, पहले कंडीशन होता है कि वो कोलाइड करना चाहिए, हर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होते हैं कोलाइड करते हैं, कोलाइड सिर्फ कोलिजन ही अपने आप में प्रॉपर कंडीशन नहीं होता है, कोलाइड तो करना ही चाहिए, साथ ही साथ एक प्रॉपर एनर्जी के साथ कोलाइड करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एनर्जी के साथ कोलाइड करना चाहिए। जैसे सपोज करो मैं ऐसा बोलूं कि ये दो कार हैं, ये दो कार टकराए, ठीक है, लेकिन आपका प्रोडक्ट तब बनेगा जब ये दोनों कार में जो बैठे हुए आदमी है वो मर जाएंगे। सपोज करो जो मरा हुआ बॉडी वो आपका प्रोडक्ट है, तो ये दोनों कार टकराने के लिए क्या होना चाहिए? पहली बात तो टकराना चाहिए, पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, ये दो कार टकराने चाहिए। दूसरी बात, ये मरेंगे तभी आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो कहने का मतलब टकराने के अलावा इनकी स्पीड भी इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए ताकि ये क्या हो जाए कि जब ये टकराए आपस में तो क्या हो जाए, ये मर सके, ठीक है। अब मान लो 20-30 की स्पीड में आ रहा था, टकरा रहे तो क्या होगा, ज्यादा ज्यादा गाड़ी को क्रॉस होगा, 70-80 में भी टकराएंगे तो भी कुछ फर्क नहीं, हाँ 150-200 की स्पीड मारो टकरा रहे, हेड टू हेड कोलिजन हो रहा है, तब जाके डिस्ट्रॉय होंगे, इसका मतलब तभी जाके आपको प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब प्रॉपर कोलिजन होना चाहिए विद प्रॉपर ओरिएंटेशन विद प्रॉपर एनर्जी, ठीक है। तो कहने का मतलब फिर से मैं समझा रहा हूं, हेड टू हेड कोलिजन होना चाहिए। अब बोलोगे सर अगर गाड़ी ऐसे गया तो भी नहीं मरेगा, ऐसे साइड से स्क्रैच करके गया तो भी नहीं मरेगा, मान लो थोड़ा सा टकरा के ऐसे
ऐसे घूम जा रहा तो भी नहीं मरेगा, प्रॉपर हेड टू हेड कोलिजन होगा तभी ये दोनों के ड्राइवर मर सकते हैं, तभी आपका प्रोडक्ट बन सकता है। उसी तरीके से प्रॉपर हेड टू हेड दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे विद प्रॉपर सफिशिएंट एनर्जी, उनके पास एनर्जी भी सफिशिएंट होनी चाहिए ताकि इन दोनों का आपस का बॉन्ड क्या हो चुके ब्रेक हो। ठीक है, बोल रहे सर हेड टू हेड कोलाइड हो रहा है लेकिन एनर्जी नहीं है, क्या तब भी तब क्या बॉन्ड टूटेगा इन दोनों का? नहीं, तो मतलब क्या बॉन्ड टूटेगा? नहीं टूटेगा। लेकिन अगर प्रॉपर हेड टू हेड कोलिजन हो रहा है, प्रॉपर एनर्जी के साथ टकरा रहे हैं, तब जाके इनका बैंड टूटेगा और तब ये थोड़ी देर के लिए स्टिक होते। देखो जब ये टकराते तो फिर द फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए स्टिक होंगे, और जब ये स्टिक होते उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। इसका मतलब ये है कि कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इस स्टेज से बिना गए कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये कंपलसरी है, अगर रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है तो उसमें ट्रांजिशन स्टेट एक बार जरूर बनता ही बनता है। आई बात समझ में? तो चलो इसको मैं लिख देता हूं। जैसे मैंने सपोज करो, इसको मैं डिटेल में समझा रहा हूं, एक रिएक्टेंट ए टू लिया, दूसरा रिएक्टेंट बी टू लिया, ये प्रोडक्ट मुझे बना रहा है ट्वाइस ऑफ ए बी। क्या बना रहा है? ट्वाइस ऑफ ए बी। कोलिजन कितने होते हैं? 10^27 टाइम्स 10^27 कोलिजन एक सेकंड में होता है। किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को अगर आप किसी भी रिएक्शन को आप प्रोसेस कराते हो तो एक सेकंड में उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कितने कोलिजन होते हैं? 10^27। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ बाइनरी को। हाँ, एक बात और, क्या सिर्फ अगर मैं बात करूं ऐसे, कम से कम टकराने के लिए दो एटम जरूर होना चाहिए। अगर सिर्फ ए टेंड्स टू बी बोलूंगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? बन सकता है, लेकिन उसके लिए आपको दो मोल या एक मोल तो लेना ही पड़ेगा। एक एटम कभी भी, एक सिंगल एटम कभी भी प्रोडक्ट नहीं बना सकता, उसके लिए ग्रुप ऑफ एटम्स होना चाहिए, एटलीस्ट कोलिजन। मैंने क्या बोला? कोलिजन तभी हो सकता था जो मिनिमम दो एटम होने चाहिए। तो समझ में? आई होप आप चीजें समझ पा रहे हो कि कम से कम दो चीज होना चाहिए टकराने के लिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ बाइनरी कोलिजन, नंबर ऑफ बाइनरी कोलिजन, नंबर ऑफ बाइनरी कोलिजन ऑब्जर्व्ड पर सेकेंड, ऑब्जर्व्ड पर सेकेंड, ऑब्जर्व पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम एट रूम टेम्परेचर, पर यूनिट वॉल्यूम एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर इज 10^27, इज 10^27 फुल स्टॉप। इफ ऑल ऑफ दिस कॉलिजन, if all of this collision, if all of this collision are effective अच्छा एक बात और इसको समझाने से पहले, अभी मैंने आपको क्या बोला? मैंने क्या बोला कि कुछ ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होते हैं? कन्वर्ट कर पाते। इसका मतलब जो कॉलिजन हुआ उसको, उस कॉलिजन को इफेक्टिव हम कब बोलेंगे? पहला, एक तो हेड टू हेड कोलिजन होना चाहिए विद प्रॉपर ओरिएंटेशन, दूसरा और विद प्रॉपर एनर्जी के साथ हेड टू हेड कोलिजन कहते हैं, उस कोलिजन को हम इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। और अगर ये दो कंडीशन कोई मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फॉलो करता है, वो 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी रिएक्शन आपको देखने में लगता होगा, टाइम लगता होगा, इसका मतलब उसमें से कोलिजन तो बहुत सारे होंगे लेकिन वेरी 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 फ्यू कोलिजन ही क्या होते हैं? इफेक्टिव होते हैं, जिसके वजह से प्रोडक्ट बनने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। यही रीजन होता है कि कोई भी रिएक्शन इंस्टेंटेनियसली प्रोडक्ट नहीं बनाता है। मतलब होते हैं जो आयनिक रिएक्शन वगैरह छोड़ दो, क्योंकि उनमें एक्सचेंज रिएक्शन होता है। ठीक है, उनकी बात छोड़ दो, N2+3H2 अमोनिया प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया प्रोडक्शन फेस्टोसोम, ये थोड़ा टाइम टेकिंग रिएक्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें हर कोलिजन इफेक्टिव नहीं होता, और इफेक्टिव कोलिजन वाले ही क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बना पाते हैं। फिर से मैं समझा रहा हूँ इन दोनों, ये दो फिर से एक बार मैं एक और लुक दे रहा हूँ। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझिए। मान लीजिए दो गाड़ी है, ये दो गाड़ी का ड्राइवर जब मरेगा तभी आपको प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब पहली बात तो बहुत स्पीड में आने चाहिए, मतलब प्रॉपर एनर्जी के साथ टकराने चाहिए विद, और प्रॉपर ओरिएंटेशन मतलब हेड टू हेड कोलिजन होना चाहिए, और यही कोलिजन होगा इसी को हम इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं, और ये मरेगा तब मेरा प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब इफेक्टिव कोलिजन वाले ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाते हैं। समझ में आई बात? चलो ठीक है, यहां तक समझ में आया? इफ ऑल ऑफ द कोलिजन आर इफेक्टिव देन रिएक्शन शुड बी कंप्लीटेड, देन रिएक्शन शुड बी completed, then reaction should be completed
within fraction of second, within fraction of second, within fraction of second, but normally reaction required, but normally reaction required, normal reaction required finite time for their completion, finite time for their completion, because most of the collisions are non-effective. ठीक है, अब इफेक्टिव कोलिजन के लिए दो कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, एक तो मैंने बोला हेड ऑन कोलिजन मतलब प्रॉपर ओरिएंटेशन और विद प्रॉपर एनर्जी, ठीक है, वही चीज है। For a collision to be effective, it should overcome two type of barrier. ठीक है, फर्स्ट वन इज पहला एनर्जी बैरियर, मतलब प्रॉपर एनर्जी जो मैंने बोला ना टकराना चाहिए, तो एनर्जी बैरियर मतलब भैया थ्रेशोल्ड एनर्जी की कंडीशन ये तो होनी चाहिए ना, तो यही होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, is known as threshold energy. मतलब मिनिमम एनर्जी चाहिए जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, वही क्या होती है मेरे लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, इट इज, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज फिक्स्ड फॉर एनी गिवन रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड different reaction, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो if ER is less than ET और ER is greater than ET, तो किस केस में collision effective होगा, मतलब reactant की energy threshold energy से कम है, मतलब आपके पास जो बाजार में जो टीवी का दाम है उसके उस मतलब जो 55,000 थे प्लस एलईडी टीवी का आपके और उससे कम पैसे, तो क्या आप टीवी खरीद पाओगे, नहीं खरीद पाओगे। इसी तरीके से
अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से रिएक्टेड एनर्जी की एनर्जी कम है, इसका मतलब नो नॉन इफेक्टिव कोलिजन, इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन इफेक्टिव कोलिजन। और ये क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन, क्या होगा ये, इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, तो ये था मेरा पहला एनर्जी बैरियर। ठीक है, मतलब एनर्जी बैरियर का मतलब पहला कंडीशन क्या होनी चाहिए इफेक्टिव कोलिजन के लिए, कि थ्रेशोल्ड से रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड है मेरा ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर मतलब हेड ऑन हेड कोलिजन होना चाहिए, तभी क्या होता है ट्रांजिशन स्टेट बन पाता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल शुड बी प्रॉपरली, ले देता हूं मैं, मॉलिक्यूल शुड बी प्रॉपरली ओरिएंटेड, मॉलिक्यूल शुड बी प्रॉपरली ओरिएंटेड फॉर मैक्सिमम इंपैक्ट। ठीक है, मतलब मरेगा तभी इंसान जब हेड टू हेड कोलाइड करेगा, अदरवाइज मर नहीं पाएगा, तो वही चीज है। ठीक है, तो जैसे मेरा क्या था, ए टू बी टू था, मतलब मान लो सपोज करो ऐसे है मेरा प्लस बी बी। ठीक है, ये हेड टू हेड कोलाइड करेंगे तभी इनके बीच का क्या होगा, बॉन्ड टूट पाएगा। देखो ये आपको स्टोरी ही समझा रहा हूं कि कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट होता है जब एक तो ये जब आ रहे हैं तो प्रॉपर एनर्जी के साथ, मतलब ये जब भी टकराएंगे, मतलब ऑब्वियस सी बात है इनके पास जो एनर्जी होनी चाहिए, मतलब ये इधर से आ रहा है, ए टू इधर से आ रहा है, बी टू इधर से आ रहा है, तो जब ये आना चाहिए तो इनके पास इतने सफिशिएंट एनर्जी तो होनी चाहिए ताकि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा हो। पहला कंडीशन मान लो, ये कंडीशन सेटिस्फाई भी कर लिया, और मान लो फिर ये प्रॉपर कोलाइड करे हेड टू हेड, तब इनके बीच खुद का जो बॉन्ड होगा वो टूट जाए, और जब ये चिपकेगा उस समय, जब ऑब्वियस कोलाइड करेगा तो फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए तो चिपकेगा एक दूसरे से, तो ये जो स्टेट होगा तभी वो तभी ट्रांजिशन स्टेट बन सकता है जब दोनों की एनर्जी क्या होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए और हेड ऑन कोलिजन होना चाहिए। और थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब जहां ये ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट हुआ, इसका 100% ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस रिएक्शन में या जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ट्रांजिशन स्टेट बना लेता है, या उसको हम ऐसा भी बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, या एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, वो 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। मतलब एक बार एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बन गया तो वो मॉलिक्यूल 100% कन्वर्ट होगा किसमें, प्रोडक्ट में। आई बात समझ में, पहले तो ये क्या हुआ, हेड टू हेड कोलाइड किए। ठीक है, ये क्या था, रिएक्टेंट है मेरे पास, क्या है ये, रिएक्टेंट है। ठीक है, इनके काइनेटिक एनर्जी क्या है, भी मैक्सिमम है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसकी, मिनिमम है। ठीक है, अब क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन होगा, क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन। सॉरी थोड़ा लाइट चली गया, अब क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन होगा। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन होगा, इसका मतलब ये एनर्जी क्या करेंगे, अभी एब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी क्या करेंगे, ये एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब किए, इसका मतलब ये जब चिपकेंगे एक दूसरे से, हेड टू हेड कोलिजन हुआ, ए बी, मतलब ये तो इनके बीच का बॉन्ड, ऐसे मैं ब्लू से दिखाता हूँ, चलो ठीक है, ब्लू से दिखा रहा हूँ कि इनके बीच का बॉन्ड जो होगा, ए और बी बी वाला तो डिसोसिएट होगा, और ए बी वाला बॉन्ड क्या होगा, बनेगा। ठीक है, तो ये वाला जो बॉन्ड होगा ब्रेकिंग होगा, ये वाला बॉन्ड ए और बी बी वाला बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, और ये वाला क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। आई बात समझ में, ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो इसी को स्टेट हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ठीक है, या इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और एक बार एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मिलके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लिए, 100% वो दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। आई बात समझ में, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्चुअली क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, क्या होता है ये, हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है, ये आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, ट्रांजिशन स्टेट में जो जो भी होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, और विद अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए ही एग्जिस्ट करता है ये। ठीक है, लाइफ टाइम इनकी क्या होती है, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इनकी क्या होती है, बिल्कुल मिनिमम।
ठीक है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इनकी, एकदम मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, इसके बाद ये स्टेज से फिर किस में आते हैं, इसके बाद जो होता है, इसके बाद होता है बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो एनर्जी क्या होगी इस केस में, अब रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, तो मतलब ए और बी, बी बना ए और बी बन गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो चुका है, प्रोडक्ट हो चुका है, ये वो रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी अगेन क्या है मेरी, मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी अगेन मेरी क्या है, मिनिमम है। तो ओवरऑल इस तरीके से प्रोसेस होता है, प्रॉपर एनर्जी के साथ हेड टू हेड कोलाइड करेंगे, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, तो ट्रांजिशनेट बनेगा, तो मतलब रिएक्टेंट का आपस अपने रिएक्टेंट का खुद का बॉन्ड टूटेगा और अलग अलग रिएक्टेंट का बॉन्ड जुड़ेंगे, तो उस तरीके से क्या बनता है आपका, प्रोडक्ट बनता है। तो ओवरऑल ये इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे इसके फॉर्मेट में दे रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। चलो सपोज करो मेरा क्वेश्चन इस तरीके से है कि ए है और बी भी है, ठीक है, प्रॉपर ओरिएंटेशन है, लेकिन ER इज लेस देन ET, ठीक है, सेकंड कंडीशन दी है मैंने, ये हेड टू हेड है, अब ए नीचे टूट जा रहा है और बी मतलब ये इस तरह डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस तरह डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन ER is greater than ET, ठीक है, तीसरा कंडीशन मैंने आपको दे दिया, A है, B दोनों head to head है और ER greater than ET, इनमें से कौन सा इफेक्टिव कोलिजन होगा। तो देखो ऊपर में पहला कंडीशन तो head to head कंडीशन फॉलो कर रहा है, लेकिन एनर्जी बैरियर वाला कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, इसका मतलब ये कोलिजन होगा नॉन इफेक्टिव कोलिजन, क्योंकि मुझे पता है इफेक्टिव कोलिजन वाले मॉलिक्यूल ही क्या बनाता है, ट्रांजिशन स्टेट, मतलब वही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे। ठीक है, इसमें देखो ये अगेन क्या होगा, नॉन प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है लेकिन एनर्जी का फुलफिल कर रहा है, तो अगेन ये क्या होगा, नॉन इफेक्टिव कोलिजन। देखो प्रॉपर ओरिएंटेशन है, एनर्जी वाला भी कंडीशन फॉलो कर रहा है, मतलब इफेक्टिव कोलिजन फॉर्म करेगा ये। आई बात समझ सबको, ठीक है, कोई डाउट यहां तक, चलो ठीक है। अब यहां पे आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ओके एक मिनट, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है देखो, ठीक है, ये मेरे पास कौन सा है, रिएक्टेंट की एनर्जी, रिएक्टेंट की एनर्जी मतलब मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के पास कौन सी एनर्जी होती है, ER होती है, ये हो गया ET, ये क्या हो गया ET, और ये जो बॉर्डर क्रॉस कर दिया, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, होता है प्रोडक्ट में। ठीक है, मतलब अगर मैंने इतनी एनर्जी, ये एनर्जी का डिफरेंस यहाँ के मॉलिक्यूल्स को मैंने प्रोवाइड कर दिया, इसका मतलब वो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी मैं दूंगा, एक्स्ट्रा एनर्जी मैं किसी फॉर्म में दे सकता हूँ, मैं टेम्परेचर के फॉर्म में दे सकता हूँ, मैं किसी फॉर्मेट में मैं उनको प्रोवाइड, इन केस मैंने किसी भी तरीके से दे दिया, तो वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो चला जाएगा ईटी के बाद, जहां थ्रेशोल्ड एनर्जी के यहां तक भी पहुंच गया, इट मींस वो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म कर लेगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी के, एनर्जी मतलब क्या कि भैया इतनी एनर्जी मिनिमम चाहिए रिएक्शन प्रोसीड होने के लिए, और रिएक्शन तभी प्रोसीड हो सकता है जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होके फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, मतलब इतनी एनर्जी देने के बाद, एक्टिवेशन एनर्जी देने के बाद वो रिएक्शन मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन
एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी नाम से समझ, एक्टिवेट हो चुका है। पहले मेरा मॉलिक्यूल कैसा था, एकदम नल था, पड़ा हुआ था, कोलिजन कर रहा बट कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन जैसे मैंने एनर्जीज को देख लिया, बूस्ट अप हो गया, मतलब एक्टिवेट हो चुका है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, मतलब वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स सब फॉर्म कर ही लेगा, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं एक्स्ट्रा एनर्जी गिवन, एक्स्ट्रा एनर्जी गिवन टू द रिएक्टेंट, टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अबाउट देयर एवरेज एनर्जी, अबाउट देयर एवरेज एनर्जी लेवल, लेवल टू टू मेक देम, टू मेक देम पार्टिसिपेट इन, टू मेक देम पार्टिसिपेट इन, टू मेक देम पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, in the reaction, to make them participate in the reaction is known as, is known as activation, activation energy। ठीक है, इसका मतलब यह है, ये जो इनका difference होता है, इससे ही activation energy होता है। मतलब ये को लिख सकता हूँ ET minus ER। ठीक है, तो आज का मैं थोड़ा यहीं पे करता हूँ क्योंकि टाइम सेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, बट प्लीज़ कल का लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब आप आज का लेक्चर बहुत अच्छे से रिवाइज करके एक दो बार और पढ़िए। ठीक है, ईटी मतलब क्या होता है, ईए मतलब क्या होता है, ईआर, एटलीस्ट इन टर्मिनोलॉजी का आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। कोलिजन थ्योरी का मतलब जो कंडीशन होती है, एक तो एनर्जी बैरियर क्रॉस होना चाहिए और एक प्रॉपर ऑरिएंटेशन होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें एक बार आप कल पढ़ के आइएगा फिर से, और बेसिकली आप देख रहे हो बिल्कुल थ्योरेटिकल पार्ट है, तो प्लीज़ एक बार अच्छे से पढ़िए उनको, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। बाकी चीज़ें हम कल इसी टॉपिक पर कंटिन्यू करते हैं। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ कल का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ 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 आज का लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़िए। ठीक है, थैंक यू, बाय।